काम याद आ रहे काम याद आ रहे चीजें याद आ रही ये करना वो करना ये करना वो करना मन कैसे टिकेगा तो जो चीज़ मन को विक्षिप्त करे वो सब चीजों को हटाना पड़ेगा उनसे अपने मन को हटाना पड़ेगा चीजों को हटाना नहीं मैं कह रही कि ध्यान मेरा बच्चों की तरफ जाता है तो बच्चों को घर से बाहर निकाल दो निहान मेरा बीवी की तरफ जाता है तो बीवी को तलाक दे दो मैं ये नहीं कह रही मन हट जाए सी व्हेन यू आर वेरी टायर्ड एंड यू विश टू स्लीप व्हाट डू यू डू आप सबको कहते हो अच्छा भाई और मैं सोने जा रहा हूँ सुबह मिलूंगा एक काम है वो काम है वो आया ये रिश्तेदार अरे छोड़ो कल टायर्ड मैं सोने जा रहा हूँ। प्यारी पत्नी साइड में बच्चे छोड़ दे धन पैसा कितना है वो भी एक किनारे रख दे और आंख बंद करके लाइट बंद करके सो जाता है अच्छा आपके हाथ में कीमती कोई चीज हो हीरा है कुछ अब अगर सो गए तो कोई चुरा लेगा अब आपके हाथ में है तो आप जगे हुए और इधर नींद आ रही नींद आ रही है। तो कब तक जगेगा जब तक कोशिश कर सकता है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां नींद आ ही जाएगी पर हीरे का लालच होगा तो फिर नींद खोल के बाहर आ जाएगा हाँ नींद के लिए आपको बाहर का ख्याल छोड़ना पड़ता है नहीं आप नई कार लाए बड़ी प्यारी कार बड़ी सुंदर कार तो कितनी देर बैठोगे कार में एक पॉइंट आएगा कार से निकलोगे घर के अंदर आओगे सो जाओगे आपने एक बड़ा अच्छा डायमंड का सेट लिया पहने शीशे में देखे दस लोगों को दिखाए दस लोगों को फोन करके बताए वेरी हैप्पी विद योर न्यू ज्वेलरी देन स्लीप और नींद में हार भूल गया कार भूल गई बीवी भूल गई बच्चे भूल गए सब भूल गए अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ नींद प्यारी के कार सोचिए प्रैक्टिकली सोचिएगा लालच से नहीं सोचिएगा नींद प्यारी के बीवी नींद प्यारी के पति नींद प्यारी के बच्चे नींद एक ऐसी जगह है जहां हमें कोई नहीं चाहिए और ज्यादा समय हो जाए आप सोए नहीं होंगे और उस समय बच्चे भी बुरे लगेंगे जहर लगेंगे मर क्यों नहीं जाते सोने दो के, पैसे हैं देखो पैसे हैं पैसे बोले आग लगाओ पैसों को सोने दो नींद बड़ी प्यारी रियलाइज्ड नींद में कोई विषय नहीं होता है और फिर इतना सुख होता है आपसे आपकी नींद छीन ली जाए और आपको बदले में सौ अरब रुपया दे दिया जाए नींद के बगैर पागल हो जाओगे नींद बड़ी कीमती इस नींद से एक संदेशा लीजिए कि जब आपका मन संसार के विषयों से खाली होता है तो अत्यंत सुख होता है लेकिन आपका मन हमेशा इज बींग पुल्ड एंड पुस्ट एंड पुल्ड एंड पुस्ट बाई योर डिजायर्स वैसे सुबह तुम उठते भी क्यों हो कोई काम ही तो करना होता है ना एक ने कहा नहीं काम नहीं घूमना तो घूमना भी काम हो गए काम कोई ना हो नींद का जो सुख है ये इस सुख से सब परिचित है ज्ञानी अज्ञानी ज्या, ग्रस्ती साधु एवरीबडी नोज दिस नाउ ध्यान में हम क्या करना चाह रहे हैं ध्यान में हम ये करना चाह रहे हैं कि जो गहरा सुख हमें सुषुप्ति में गहरी नींद में मिलता है वो ही सुख हमें जागते हुए में मिले हम सोए नहीं जो सुख नींद में था सुख का पता आप उठने के बाद देते हो कि बड़ा अच्छी बहुत अच्छी नींद आई लेकिन जब नींद में सुख ले रहे होते हो उस समय तो नींद की बेहोशी होती हम ध्यान के माध्यम से क्या करते हैं कि हम होश में हैं हम जागृत हैं लेकिन हम वो ही सुख निर्विषय सुख द the happiness which you were experiencing at the time in the sleep when there was no worldly object we, we bring that happiness into our consciousness we are fully conscious and we have that pure pure happiness the pure suk is there देखिए अब यारी साहब दो चीजें कह रहे हैं सबसे पहले जुगत से जोग होगा फिर का सुषमना पर आसन लगा हो माने जब बाया स्वर एक्टिव हो तो नहीं जब दाया स्वर एक्टिव हो तो नहीं जब तुम्हारी सुषमना एक्टिव हो आसन उस समय लगे कैन यू अंडरस्टैंड हाउ मच साधना इज रिक्वायर्ड टू अटेंड दिस दूसरी बात सुषमना पर बैठे आसन सहज ध्यान लगाओ अगर सुषमना एक्टिव के समय पर आसन किया मैंने ध्यान को बैठे तो ध्यान सहज होगा करना नहीं पड़ेगा अभी करना पड़ता है अभी तुम्हें आसन लगाने में भी कष्ट है बैठने में भी कष्ट है श्वास को गहरा लो बहुत से लोग कहते हैं श्वास गहरा लिया ही नहीं जाता गलत आदत हो गई है गलत श्वास लेते रहने की इसलिए लंबा गहरा श्वास लेना ही मुश्किल है तो आसन ठीक करे श्वास ठीक करे फिर सुष्मना एक्टिव अब सुषमना पर जो सुष्मा एक्टिव के समय पर जो बैठेगा तो बोले ध्यान सहज होगा दृष्टि सम कर सुन सोगो दृष्टि सम है मन में सुन्नता है आपा मेट उड़ाव अब ये अहंकार तो मिट गया उड़ गया फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम हम कैसे निरहंकार हों ना 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 फिर हम निरंकार हैं सहज हो जाते हस्ती को अपनी फना कौन करेगा हस्ती को अपनी फना कौन करेगा ये काम मेरे सिवा और कौन करेगा आपा मेट उड़ाव आपा मिट गया प्रगट ज्योत अकार अनुभव शब्द सोहम गाव प्रगट ज्योत ज्योत प्रगट हुई अब जब ज्योत प्रगट हुई तो यह एक सिंबॉलिक है यह एक इशारे में बात कही जा रही है ऐसा नहीं कि कोई अंदर लाइटें जलनी शुरू हो जाएंगी कि कोई सूरज दिखने लग जाए कोई अग्नि दिखने लग जाए ना मामा आत्मज्योति प्रकट हुई प्रगट ज्योत आकार अनुभव अनुभव को आकार मिल जाएगा शब्द सोहम गाव। अब अब कह रहे अंदर शब्द सोहम का गूंज रहा है सो मैने देट हम मने मैं सो हम मने आई एम दैट आहम ब्रह्मा अष्टमी जिसे वेद कहता अब बिना यह स्थिति को बनाए सोहम 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 तोते हो गए तोते नहीं बनना ये स्थिति आते ही सोहम का गीत फिर गूंज रहा है इसी को फिर कहा ये ये निशब्द शब्द है यू इट विद योर टंग ना यू आर इन दैट इश्क करता है तो इश्क की तोहीन न कर इश्क करता है तो इश्क की तोहीन न कर या तो बेहोश न हो जो हो तो फिर होश में मत हो सोहम कहने की बात नहीं है सोहम स्थिति लेट मी रिपीट द होल प्रोसेस वंस अगेन ये ये सारी प्रोसेस आपको करनी है अभी की नहीं है आप मैं यहाँ स्क्रीन पर तुम्हें आईफिल टावर पेरिस की डॉक्यूमेंट दिखा दूँ मसाई मारा ए, रिजर्व दिखा दूँ नगोरा नगोरा का सफारी दिखा दूँ तो उसे तुम वहाँ घूम थोड़ी आए अभी मैं कह रही हूं तुम अभी सुन रहे हो ये स्थिति हुई नहीं लाने के लिए ये मेहनत करनी होगी पहला सूर्य स्वर चंद्र स्वर का जो मैकेनिज्म है वह तुम्हारे समझ में आए कैसे आएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम से फिर जो सुषमना एक्टिव करने की प्रोसेस तुमको तुम्हारे अनुभव से खुलेगी फिर उसमें बैठे तीसरा मन से राग द्वेष इच्छा वासना की ये सब पुशिज एंड को हटा के फिर बैठे फिर सहज ध्यान लगाओ और सहज ध्यान कब जो मन निर्विकार जो मन निर्विचार जो मन निरइच्छित हुआ फिर कहा शब्द सोहम गाओ अब 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 सोहम शब्द गाया जा रहा है कौन गा रहा है बोले गाने वाला कोई नहीं है पर हम कह रहे हैं आप समझ लीजिए छोड़ मठ को चलो जोगी मठ माने देह ये देह रूपी घर को छोड़ जोगी छोड़ मत को चलो जोगी बिना पर उड़ जाओ बिना पंखों के उड़ जा यारी कहे ये मत बेहंगम यारी साहब कहते हैं ये जो रास्ता है ये बेहंगम रस्ता है बेहंगम मतलब पक्षी उड़ता है उसकी उड़ान उसे एक जगह से दूर जगह तक आसानी से ले जाता है वही रास्ते में चीटी को चलना हो तो कितना समय लगे सोचो यहां से हरिद्वार या बम्बे या दिल्ली चीटी को चल के जाना हो कितना समय लगे अब जमीन में चल रही है किसी के पांव नीचे आ जाए गाड़ी के नीचे आ जाए किसी जानवर के पैर तले दब जाए उसके मरने के चांसेस जैदी दी, पर पक्षी उड़ के जाता यारी साहब कहते हैं ये पक्षियों का मार्ग है बिहंगम मार्ग है ये मार मार अगम चढ़ फल खाओ ये अगम है रास्ता। गम मैंने दैट विच कैन बी अंडरस्टूड दैट विच इज कॉम्प्रिहेंसिबल गम दैट विच इज इनकम्प्रिहेंसिबल इज एंट इट स्ट्रेंच जो कुछ हम चाहते हैं वो सब कुछ हमारे पास है पर है हम ही को दिखता नहीं है पर हमें को दिखता नहीं है तो जो है उसी को ए, होते हुए देखना है जो नित्य प्राप्त है उसी को प्राप्त करना संसार ये हमारा कब था और हम सच्ची बात तो यह है हम बहुत अंदर से संसार से जुड़ते भी नहीं ना आप ना हम कोई भी नहीं उदाहरण तो देते किसी के बाल बड़े सुंदर हों लंबे हों रेशमी हों घने हों बहुत प्यार करे अपने बालों से और फिर वो कंघी करे तो अपने ही कुछ बाल कंघी में आए क्या करेगा इन बालों को बोलो फेविकोल से सिर में जोड़े किसी ग्लू से वापस जोड़ेगा बालों को के उंगली पर लपेटेगा और कूड़े में फेंकेगा कितनी मोहब्बत थी अपने बालों से पर सिर से निकल जाए तो फेंक देते मेरा पुत्र मेरा पुत्र कितना प्यार करती है मां लेकिन पुत्र के शरीर से प्राण निकल जावे तो मुर्दा बांधेगी रोएगी छाती भी कूटेगी पर जला देगी दफना देगी क्या ये सत्य नहीं है ऐसा लगता है हमको कि हम बड़ा जुड़े हुए हैं संसार से पर सच्ची बात तो ये है हम कोई जुड़े हुए नहीं इसीलिए हमारा प्यारा सा प्यारा संबंधी मर जाए दूर हो जाए हम याद करते हैं हम रो लेते हैं लेकिन हम उनके साथ जल के मर नहीं जाते ये मन तो जोगी है बस ये एक ही गलती करता है कि ये बीच बीच में अपने आप को किसी किसी से बांध के रखता है ये मेरा ये मेरा ये मेरा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता ऐसा गाना गाता हा? पर सच ये है वो प्यारा जब दूर हो जाता है थोड़े दिन तड़पता है फिर भूल जाता है इसलिए दुनिया में कोई भी चीज ऐसी प्यारी नहीं है जो हमेशा हमेशा तुम्हें याद रह जाए और याद रहती भी है तो वो यादें बहुत दुख देती हैं नहीं देखिए इस वर्तमान काल से आप पीछे मुड़ के देखिए जस्ट अ लुक इन योर पास्ट पास्ट ऑलवेज ब्रिंग्स मिजरी एक बड़े सफल उद्योगपति मुझे अपना बचपन सुना रहे थे कि खाने को नहीं था कि दूध पड़ोसी से मांग के पीते थे और मिठाई तो बस कभी साल में एक बार दिख जाए तो इतना सा टुकड़ा मिल जाए तो लगता था आज क्या दिन आया और वो भी उधार किसी पड़ोसी से मांगना पड़ता था अपने पास था नहीं आज उस सज्जन के पास करोड़ों रुपया लेकिन बचपन की वो गरीबी वो अभाव आज भी याद करते तो दिल दुखता है आज इस वर्तमान के समय से तुम आगे देखो भविष्य में अपने देखो तो चिंता आती कल पता नहीं क्या होगा आज जो सब कुछ है कल नहीं रहा तो एक झटके में करोड़पति कखों में आ जाता है गरीबी में आ जाता है यू नेवर नो वट मे हैपन कल क्या होगा कल क्या होगा कल क्या होगा? कल आने वाला कल याद करो तो चिंता है बीते हुए कल को याद करो तो शोक है और साधु क्या करता है ये दोनों पर काट देता है ना बीते कल को याद करता है ना आने वाले कल को याद करता है वर्तमान में मन ईश्वर से जोड़ के रखता है इजेंट इट सेंसिबल ऑल्सो दिस इज सेंसिबल वे टू लिव तो जुगत से अपने जीवन को जीजिए, जिए जुक्ति से जियो रात नींद में आपका घर परिवार बिजनेस पैसा रुपया शेयर मार्केट दिस एंड दैट सब भूल जाता है एंड जस्ट इमेजिन कि आप सोए और फिर नींद खुले ही नहीं तो

टीबी से नहीं मरते एड्स से नहीं मरते कैंसर से नहीं मरते हार्ट अटैक से नहीं मरते सबसे ज्यादा लोग नेचुरली गरी में मर जाते अब देखिए मौत घटित तो होगी कोई तो कारण होगा या तो हार्ट फेल होगा या तो नस फटेगी या कोई हेमरेज होगा कुछ तो होगा ना? लोग जहाज में चढ़ने से डरते हैं सम पीपल आर वेरी आ इट माइट क्रैश आई कैनॉट गो कई लोगों को मैंने देखा वो ट्रेन में चढ़ने से भी डरते ट्रेन के कुछ एक्सीडेंट देखे सुने पड़े है जाते नहीं कोई कहते हम हम बस से नहीं जाते हम हमेशा फ्लाई करते क्यों बोले इंडियन रोड्स आर अनसेफ हम नहीं जाते रोड से पर सबसे ज़्यादा लोग तो घर के बिस्तरे में मरते हैं तो डरना तो अपने बिस्तरे में जाते हुए होना चाहिए नहीं शायद इसीलिए लोग बोलते गुड नाइट गुड्डी रहे भैया कहीं टपक जाओ तो इसीलिए बोलते गुड नाइट आ इसीलिए सुबह जो जिंदे होते तो कहते गुड मॉर्निंग बच गए निकले नहीं संभावना पूरी थी नींद को योग के शास्त्रों में छोटी मौत कहा जाता है इट्स अ मिनी डेथ सोते हुए में शरीर कहाँ है कुछ पता नहीं किस घर में है बाहर हैं होटल में है रिश्तेदार के हैं कहाँ हैं कोई पता नहीं अच्छा घर में कोई दुख हो गया कोई सुख हो गया कोई शादी है कोई मर गया है कुछ याद नहीं और हाथ हैं है, सिर कहाँ हैं कुछ पता नहीं और आपके अपने मन में क्या दुख चल रहा था हाँ कुछ पता नहीं जब नींद खुलती है ना तो मैं 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 चालू हो जाती मैं मैं चालू हो जाती मैं और मेरा चालू हो जाती नींद में जाती, ना मैं जाती न मैं न मेरा अच्छा मैं का ख्याल बना रहे तो नींद होगी और तेरे का ख्याल बना रहे तो नींद होगी ना मेरे ख्याल से नींद आती है और ना किसी और का ख्याल बना रहे तो नींद आती है नींद कब आती है जब ना मुझे मेरा ख्याल रह जाए ना मुझे किसी और का ख्याल रह जाए फिर नींद आती है। अच्छा मजे की बात यह है आपको आपका ख्याल कम होता है आपको दूसरों का ख्याल हमेशा ज्यादा होता है मुझे एक गीत याद आ रहा रात थी नींद आ नहीं रही थी क्योंकि आ, उसे अपना महबूब याद आ रहा था ये ये गीत जो है आ, ए शरीर के पिता सुनाया करते थे बहुत अच्छा गाते थे ऐसे <laughs> सारी रात तेरा तक रहा ਤਾਰੇਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਚੰਨਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨੀ ਆਰਾ ਤਾਰੇਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਚੰਨਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨੀ ਆਰਾ ਤਾਰੇਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਚੰਨਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨੀ ਆਰਾ सारू पुछन वे वे मैं तेरे पीछे पिछे भो तो लारू चनवे वे मैं तेरे पीछे पिछे बोइ तबा तो पुछन चनवे, तो पुछ चनवे सारी रात तेरा तक निया गा ਚ ਚਨ ਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨੀ ਆ ਰਾ ਤਾਰੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਚਨ ਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆ ਤਬਾ ਲਾਰਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਚਨ ਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆ ਤਬਾ री रात तेरा तकनिया नियरा तार तो कुछ छे बड़ा और प्रभु प्रेम वाला रा के चल बड़ा और प्रभु प्रेम वाला रा सोच के चल मन प्रदु प्रेम वाला रा